हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्पोर्ट जीरो मिल्टन को रिपेयर करेंगे। ये जो हमारा स्पिन मोप है, जहाँ पे मोप घूमता है, ये बहुत हार्ड हो गया है, अब घूमना बंद कर दिया है। देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से घूम रहा है। तो आज मैं आपको इसको रिपेयर करना बताऊंगा। मैं पहले भी इसके ऊपर रिपेयर कर चुका हूँ, इसलिए आज बहुत ईजिली मैं रिपेयर कर पाऊंगा। लेकिन इस आज जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, इस विधि के माध्यम से बहुत ही ईजी तरीके से अपना बकेट को रिपेयर कर लेंगे। देख लीजिए, मैंने इसके हैंडल को खोल लिया है। हैंडल खोलने के बाद आपको ऊपर वाला हिस्सा खोलना है। ये देख लीजिए, इसमें ऐसे लॉक लगे होते हैं चारों तरफ। आपको इनको लॉक को साइड करके इसको खोल लेना है। अब हम धीरे धीरे खोलना शुरू करेंगे। बस आपको ये लॉक हटाने हैं, पीछे की तरफ मूव करके। देखिए, जैसे मैं हटा रहा हूँ, ये देखिए खुल गए हैं, खुलने शुरू हो गए हैं हमारे लॉक। एक दो लोग फंसेंगे, थोड़ा सा हार्ड रहेगा। आप स्क्रू ड्राइवर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा पुश करके खोलेंगे। देखिए, मैंने फंस गया है, फाइनली खुल चुका है। यहाँ हो गई है हमारी बकेट। अब आप देख सकते हैं ये जो बकेट है, इस बकेट में ये वाला जो हिस्सा था, जो जाम था, ये हमने खोल लिया। ये देख लीजिए, यहाँ पूरी मिट्टी जम गई है, पूरा गंदा हो रखा है पूरी तरह। और ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम आ गया। ये जो हिस्सा है, ये बहुत हार्ड है, ये कुछ भी मूव नहीं कर रहा, और ये आपस में चिपका हुआ है बुरी तरह। क्योंकि अंदर इसके अंदर जो एक रोड होती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है और वो पूरी तरह चिपक जाता है। इसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे। स्क्रू ड्राइवर का अगला हिस्सा हम गर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर जब खींच के इसको निकालेंगे, नहीं निकलेगा, ये बहुत हार्ड हो चुका है। तो हम इसको स्क्रू ड्राइवर का अगला हिस्सा गर्म करेंगे। और ये मैंने पहले छेद कर लिया था यहाँ पे, आज मैं इस छेद में दोबारा डालूंगा। यहाँ से यहाँ छेद करके आप इसको वहाँ अटकाएंगे ऊपर, जहाँ तक वो आ रहा है। और फिर आप इसको हैमर से चोट करेंगे धीरे धीरे, इस तरह कि वो डैमेज ना हो। ठीक है, आपको हार्ड चोट भी करनी पड़ेगी, लेकिन तरीके से। ये देखिए, मेरा लूज हो चुका है। अब मैं इसको खींच लूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी खोला था, इसलिए मेरा बहुत आसानी से निकल गया। लेकिन आपको बहुत आसानी से नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको कई बार चोट करनी पड़ेगी, और कई शायद आपको थोड़ा बहुत टूट जाए। तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ पर ये लगेगा, वहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। ये देख लीजिए, ये जो रोड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो रोड सी आपको दिखाई दे रही है, छोटी सी रोड, ये देखो, मैं नज़दीक ले आता हूँ। हाँ, ये जो रोड है, ये पूरी जंग से भरी हुई है। अब हम इसको किसी चक्कू के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम, जिससे आप रस छुटा सकते हैं, आप साफ कर लेंगे। देख लीजिए, मैं चक्कू से इसका रस छुटा रहा हूँ, धीरे धीरे छूट रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं वीडियो को थोड़ा रोक के इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। आप इस तरह साफ कर सकते हैं। और इसको साफ होने के बाद आप इसको मशीन का तेल डाल के, इसके ऊपर वो जो प्लास्टिक का सेल निकला था, उसके ऊपर मशीन का तेल डाल के इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर ये साफ हो जाएगा तो आपकी जो रोड है, ये देखिए, ये जो अंदर वाला हिस्सा था, ये आप डाल के आराम से घूमने लगेगा। देख लीजिए, मेरा घूमना शुरू हो गया, ये देखो घूम रहा है, ये बड़ा ईजिली घूमना शुरू हो गया है, मतलब हमारा सेट हो चुका है। अब हम दोस्तों इसको बकेट के में जो स्लॉट था, जहाँ से हमने इसको निकाला था, हम इसको स्लॉट में लगाएंगे। ये वाला जो स्लॉट था, वापस लगा देंगे। मैं साफ साफ नहीं कर रहा हूँ, साफ मैं बाद में करूँगा, क्योंकि मेरा ध्यान है पूरा वीडियो बनाने की तरफ, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे समझा सकूँ। ये देखिए स्लॉट है, इस स्लॉट में खांचे बने होते हैं, इसके ऊपर भी खांचे बने हैं। मैंने खांचों को आपस में बिठा के इसको दबा लेंगे। अब ये बहुत अच्छे से इसने पकड़ लिया है, और ये अपना प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। और इसके अंदर फिर हम मशीन का जो तेल होता है, मशीन का तेल है तो अच्छा, ग्रीस है तो बहुत ही अच्छा, आप इसमें भर देंगे, इसमें भी भर देंगे। और साथ में वो जो स्पिन वाला सिस्टम था, जो घूमता है, और जो उसकी रोड थी छोटी सी, उस पर भी आपको ये लगाना है। ये देख लीजिए, मैं इस पर भी लगा रहा हूँ, ये मैं लगा चुका हूँ। और अब आप जैसे ही इसको इसके ऊपर बिठाएंगे और इसको घुमाएंगे, बहुत आसानी से घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये मैंने इसके अंदर इसको बिठा दिया है, ये देख लीजिए कितना ईजी घूम रहा है। तो जो प्रोसीजर था हमारा, वो डन हो चुका है।
और इस माध्यम से आप अपने मॉप बकेट को रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, एक बार करने के बाद आसान लगेगा। शुरुआत में तो दोस्तों जब मैंने लास्ट टाइम किया था मेरे धुएं निकल गए थे, क्योंकि वो बहुत हार्ड था, मुझे बहुत बार हथौड़े की चोट करनी पड़ी थी इसको निकालने के लिए। अब हम इसको लगा देंगे वापस, इसके ऊपर आपको बिठाना है सही से और आपको ऊपर से प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ऊपर से प्रेस कर देंगे तो तुरंत बिठा दिया है, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, और मैं ऊपर का इसका बकेट का हैंडल लगा दूंगा घुसड़ के। तो ये जो मिल्टन की बकेट है, ये दोस्तों मेरे को यूज़ करते हुए 3 साल प्लस हो चुका है। बकेट बहुत अच्छी है, मॉप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ओवरऑल अच्छी है। ये जाम की समस्या आ जाएगी क्योंकि लोहे पे जंग लगता है, तो जंग लगेगा तो उसको हार्ड होकर जो घूमने की जो जगह होती है, जो बनी हुई होती है, वो अपने आप ही भरी जाती है, वैसे जाम हो जाता है। बस आपको 2-3 साल बाद जब भी दिक्कत आएगी अपनी साफ करना है और आपको ठीक हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, मैं पोचे से आपको लाइव डेमो दिखाया था घूमने के लिए। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे आगे वीडियो बनाने लेकर आता रहूँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।